हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X90 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, ठीक है। इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपका ये पेज ओपन होगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का। इसमें आपका जो है ना तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन में से आपका सबसे नीचे ये लास्ट वाले ऑप्शन पे आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से डिसेबल होगी, ठीक है। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको इस सेटिंग के ऊपर जो है ना दो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट वाले दो ऑप्शन, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी, यानी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं, तो इससे आपकी जो है ना ये सेटिंग इनेबल हो जाती है नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, ठीक है। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आपके मोबाइल फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन की ना इस लॉक स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। जैसे ये नोटिफिकेशन यहां पे दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे ही जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पे यहां पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग जो है ना इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे आप इस सेटिंग को आप अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है नोटिफिकेशन। सिर्फ आपको यहां पे नोटिफिकेशन आपको टाइप करना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको काफी सारे ऑप्शन नीचे शो हो जाएंगे। इसमें आपको ये वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।